आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का 10 नंबर चैप्टर का 3rd नंबर चैप्टर विभव एंड विभवांतर। विभव एक ही शब्द है और विभवांतर है विभव प्लस विभवांतर। क्या है ये? विभव प्लस विभवांतर अंतर है, विभव का अंतर विभवांतर है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपनी बुक है जो आरबीसी की, वो उसका अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त कोई भी गाइड का यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बुक में दिया गया है अगर वह आप वही पढ़ेंगे तो जो बोर्ड परीक्षा में उसे अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। तो ये है आज जो हमारा व्यू शब्द पर करेंगे डिस्कस। क्या है पहला है ही शब्द है क्या, और किस प्रकार ये विद्युत धारा को इफेक्ट करेगा। तो पहला ही प्रश्न आता है व्हाट यानी क्वेश्चन मार्क क्या है। तो व्यू की परिभाषा पढ़ेंगे। व्यू क्या है? व्यू कुछ नहीं एक वर्क कार्य है, एक कार्य एक तरीके से कार्य किया जाता है। जो हमने पढ़ा कि चार्ज है उसको उस पर ही हम कार्य करते हैं। क्या होता है जैसे हम मेडिकल में जाते हैं ब्लड टेस्ट होता है, तो हमारा अगर खून कम होता है तो बताया जाता है कि एक सामान्य पुरुष में इतना खून होना चाहिए, 13 ग्राम के आसपास खून होना चाहिए, 13 से 15 के आसपास होना चाहिए। अगर इसे ज़्यादा है तो कहते हैं अच्छा ज़्यादा खून है आप में। और इस सामान्य इस प्रकार हर व्यक्ति की तुलना एक सामान्य व्यक्ति से की गई है कि इस सामान्य व्यक्ति है, सामान्य है कि धड़कन है, सामान्य व्यक्ति की इतनी धड़कन होती है। तो इसी प्रकार फिजिक्स में भी एक ऐसा पॉइंट लिया जाता है, एक क्या लेते हैं पॉइंट, एक बिंदु लेते हैं जिसके सापेक्ष अन्य बिंदु को क्या मानते हैं अध्ययन करते हैं, उसके सापेक्ष अन्य बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। क्योंकि कोई भी बिंदु क्या नहीं अपेक्षित नहीं है, अकेला नहीं है, क्योंकि वह दूसरे बिंदु पर डिपेंड करता। तो इसी प्रकार एक ऐसा बिंदु लिया गया है जिसका प्रभाव सभी बिंदुओं पर क्या पड़े समान पड़े, या उस बिंदु पर बहुत ही कम इफेक्ट डाले। तो ऐसा ही बिंदु लिया गया एक अनंत अनंत बिंदु है जो इतना दूर है उस बिंदु से कि वो गिनना ना जा सके। जहाँ पर वह बिंदु है उसके आगे भी अनंत है और उसके पीछे भी अनंत है, वह बिंदु अनंत है। तो अनंत की कोई सीमा नहीं है, वह कहाँ है ये नहीं पता। तो व्यू की परिभाषा में हम अनंत शब्द का यूज करेंगे। और व्यू वास्तव में क्या है? कार्य है। मान लीजिए एक आवेश है जो बहुत ही दूर अति दूर पड़ा है। यहाँ पर एक आवेश है मान लीजिए प्लस क्यू, और इसको इस बिंदु ओ पर लाना है, और ये प्लस आवेश है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी होगा, यहाँ पर न हो, ये क्या है अनंत पर। तो इसको डैश 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 से व्यक्त करेंगे और यहाँ से मान सकते हैं ये बिंदु हमारा है, यहाँ पर लाना है इसको। तो हम क्या करते हैं धीरे धीरे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ खिसकाएंगे खिसकाएंगे यहाँ पर धीरे 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 आखिर में हम क्या कर देंगे ओ बिंदु तक उस बिंदु को ले देंगे। तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, W वर्क करना पड़ेगा, W जूल हमें कार्य करना पड़ेगा Q आवेश को लाने में। तो जो प्रत्येक आवेश के लिए जो एक आवेश के लिए मतलब एक गुलाम आवेश के लिए जो कार्य किया जाता है इस बिंदु को कहां से अनंत से लाने के लिए, आवेश को अनंत से ओ बिंदु पर लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही क्या है ओ बिंदु का विभव है। अब देखिए आपको सापेक्ष बताएं कि U क्या है, एकांक धनावेश को या ब्रैकेट में लिखें 1 कूलम प्लस 1 कूलम आवेश को अनंत बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ओ पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है।
एकांक एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ओ पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तात ये आवेश क्यू है, मान लीजिए सपोज कर क्यू क्या है, प्लस क्यू एक कूलम के बराबर। इस आवेश को इस ओ बिंदु में लाने पर जो डब्लू कार्य किया जाएगा, ये डब्लू कार्य क्या है, विभव है, वो कहाँ पर, ओ पर। तो यही है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ए कूलम आवेश को न लाकर प्लस क्यू आवेश को लाया जाता है कि बिंदु अनंत से इस ओ बिंदु पर, तब क्या कार्य किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू कार्य किया जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना, एक एकांक यानी एक एक कूलम आवेश के लिए जो कार्य किया जाता है वो ज्ञात करना है। लेकिन जो प्लस क्यू क्या है, प्लस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य डब्लू है, हमें ज्ञात क्या करना है, एक का। अब जिस प्रकार क्या है, 12 दर्जन केलों का मूल्य 24 रुपये है, तो एक केले का कितना मूल्य होगा, 24/12 यानी 2 रुपये। इसी प्रकार ये करना है तो क्या आ जाएगा, डब्लू अपॉन क्यू। ये क्या है, अनंत से आवेश को बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, ये क्या है, आवेश। तो ये हो गया विभव। क्या विभव की डेफिनेशन, हमें क्या करना, अनंत से उस बिंदु पर लाना है। अब आती है बात विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या है, अब खेत है, विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं फील्ड, और द्युत का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हो गया। जिस प्रकार हमारा खेत होता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है। जिस प्रकार खेत का जो एरिया है वो हमारा खेत है, जहां हमारा दायित्व है, हमारा हक है। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसी प्रकार जो आवेश, विद्युत यानी आवेश है, उसका खेत होता है एक तरीके से। उसमें वह अपना हक दर्शाता है, मतलब एक आवेश के चारों, एक आवेश के चारों ओर का, चारों ओर यानी सभी दिशाओं में, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ उस आवेश का क्या होता है, प्रभाव महसूस किया जा सकता है, कि वह आवेश उस क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा सकता है, वह दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, उसे आकर्षित कर सकता है, प्रतिकर्षित करता है, वो है उसका विद्युत क्षेत्र। ये फ्राइडे नामक वैज्ञानिक ने बताया, ये आपके सिलेबस में नहीं है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ये हो गए। अब बात आती है यूनिट की यानी मात्रक की, विभव की क्या मात्रक है। जैसे कार्य का मात्रक जूल है, हमने देखा कार्य का मात्रक क्या है, जूल, क्या है, जूल। और जो आवेश का मात्रक है कूलम, कूलम। तो जूल अपॉन कूलम हो गया, और इसे लिखते हैं वोल्ट। वोल्ट को किसे लिखें, वी ओ एल टी, शॉर्ट वोल्ट, और बड़ा वी, बड़ा वी वोल्ट होगा। अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो इंग्लिश में कैपिटल नहीं लिखेंगे, छोटा पहला अक्षर छोटा लिखेंगे, वोल्ट, वी ओ एल टी। और एक ही शब्द से दिखाएंगे तो बड़ा लिखेंगे, ऐसे भी वोल्ट लिख सकते हैं। ये अगर आपने ऐसे लिख दिया वी ओ एल टी तो ये गलत है। वोल्ट क्या था, एक वैज्ञानिक था, जिसे था इसके नाम के आधार पर इस पर रखा था। अब बात आती है, हमने विभव की मात्रक देख ली, मात्रक क्या है, जूल अपॉन कूलम यानी वोल्ट। अब बात आती है, जिस प्रकार एक एम्पियर की परिभाषा पड़ी थी, एक एम्पियर धारा की, उसी प्रकार एक वोल्ट विभव, विभव की परिभाषा हम पढ़ेंगे। एक वोल्ट विभव क्या है, वास्तव में वो एक कार्य है जो एक कूलम आवेश के ऊपर किया जाता है अनंत से। तो अब एक 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, 1 वोल्ट विभव। वन वोल्ट विभव क्या है, कि जो विभव का सूत्र है फॉर्मूला डब्लू अपॉन क्यू। अब एक करना है तो हमें पता है क्यू का मान, वैसे ही हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं, एक कूलम। और एक करने के लिए डब्लू की भी क्या लेंगे, प्लस एक जूल, जूल लेंगे तो छोटा अक्षर लिखेंगे जूल, अन्यथा क्या लिखेंगे, कैपिटल जे से दिखा देंगे जूल। तो हमें क्या लेना है, एक कूलम आवेश और एक जो कार्य है वो एक जूल। मतबल है कि ये बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ है,
ओ है, और ये बिंदु है जो हमें पता नहीं है, मतलब अनंत है। ओ बिंदु पर क्या रखा है? प्लस एक गुलाम आवेश। इस आवेश को हम क्या लाए जाते हैं अनंत से? इस बिंदु पर लाते हैं, और हमें क्या करना है? डब्लू कार्य करना जाता है जो कि एक जूल है। एकांक धनावेश को क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से दुच अनंत से विदु अनंत बिंदु से या अनंत से दु क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य अगर एक जूल है, तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो एक वोल्ट विभव होगा। क्या डेफिनेशन होगी? एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश, धनावेश का मतलब एक प्लस गुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु ओ पर, किसी बिंदु ओ पर लाने में, ओ पर लाने में किया गया कार्य, किया गया जो कार्य है, वर्क है, वो एक जूल हो, तो उस बिंदु पर वो एक वोल्ट होगा, एक वोल्ट होगा। ये बात, हमें क्या लेना है? एक जूल लेना है कार्य, और जो आवेश है वो एक आंक है, तो जो विभवांतर हो जाए, जो विभव हो जाए वो एक वोल्ट हो जाएगा। ये डेफिनेशन है, कुछ नहीं, अनंत से बिंदु को पकड़ कर लाना है उस बिंदु पर। तो ये हमारी होगी विभव के डेफिनेशन, उसका मात्र फॉर्मूला ये लिख सकते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे लिखें। तो ओ बिंदु पर है जो कार्य है, हम ओ बिंदु पर कितने आवेश, इसका फॉर्मूला अच्छे से लिखें, वी ओ डब्लू कार्य अनंत से, बिंदु को अनंत से कहाँ पर लाया जाता है? ओ पर और क्यू आवेश है, ये आ गया अनंत टू जीरो। ये हो गया कार्य अनंत से जीरो की ओर लाने में, जो किया गया कार्य है हमारे द्वारा वो हो गया। तो यही कार्य, अब आगे अगली बात है विभवांतर की, विभव प्लस अंतर है, विभव दो विभव में अंतर, यानी दो बिंदु लेने होंगे। अब की बार क्या है? अनंत नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? एक ही क्षेत्र यानी विभव क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के दो बिंदु होंगे। क्या होंगे? दो पॉइंट होंगे, क्या? ए, दूसरा पॉइंट बी। ये दो पॉइंट होंगे, ये मान लीजिए अनंत है, इसके सापेक्ष इसका विभव वी ए, इसके सापेक्ष इसका विभव अनंत के सापेक्ष बी बी। यहाँ पर एक गुलाम आवेश को यहाँ पर लाया जाता है, ये क्या हो गया? इसका विभव हो गया। अब इन दोनों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना था, विभव का अंतर ए से बी की ओर ज्ञात करना, ए टू बी। तो बी ए माइनस ए और बी के मध्य का विभवांतर बी ए, बी माइनस ए, बी और ए के मध्य का विभवांतर। यहाँ क्या है? पहला क्या है? ए और ए बी के मध्य, ये दूसरा क्या है? बी व ए के बीच। ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, डेफिनेटली बात है, उल्टा चीनी के होंगे। तो ये बात है विभवांतर की, क्या है? विभवांतर की। अब मान लीजिए इस आवेश को एक जो कार्य की सक्षण जो ऊर्जा वाला है, इसकी एक डेफिनेशन तो यही हो गई कि दो बिंदु ए, मान लीजिए किसी बिंदु में दो, मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी है, तो उन दोनों बिंदु के विभू के अंतर, विभू का अंतर ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। क्या? विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदु ए और बी पर के विभव के, ए और बी के विभवों का अंतर ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है।
ये हो गए। दूसरी बात क्या होती है, ये हो गए एक जो हमने सीधा लिखा कि व्यूह में दोनों बिंदु के बीच की हो जाएगी। लेकिन दूसरा क्या है, वो ये है कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु ए है, दूसरा बी है, हमें ज्ञात करना ए और बी के बीच, ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो ए बी वी ए बी विभवांतर, तो क्या होता है ए और बी के बीच, अब एक बिंदु को इस यहाँ से ए कुलाम आवेश है, उसको यहाँ पर लाने में जो कार्य किया जाता है वो ए बी ए हो गया, बी से ए तक लाने में, और यहाँ से इस बिंदु ए कुलाम आवेश को यहाँ तक ले जाने में क्या किया गया कार्य, ए बी ए बी। हम क्या करेंगे, ए से ए कुलाम आवेश को ए से बी की ओर ले जाएंगे और हमें डब्ल्यू ए कार्य करना पड़ेगा, जो क्या होगा हमारा विभवांतर होगा, क्या होगा डब्ल्यू ए कार्य विभवांतर। जब क्या है आवेश वन कुलाम, मान लीजिए अब प्लस क्यू कुलाम आवेश को ए से बी की ओर ले जाएंगे, तो एक कुलाम यानी प्रति कुलाम या प्रति एकांक आवेश पर जो कार्य किया जाएगा वो कैसे ज्ञात करेंगे कि क्यू का डिवाइड दे देंगे, ये हो गया फॉर्मूला। अब क्या है विभू की एक और डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे, जो व्यू की दूसरी डेफिनेशन वो क्या होगी, किसी विद्युत क्षेत्र में क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं या परिपथ में एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु पी तक ले, ओ सॉरी सॉरी एकांक आवेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अर्थात क्या होगा, बी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी, जब एकांक कुलाम आवेश हो। लेकिन हम क्यू का कुलाम आवेश ले जाएंगे तो क्यू का भाग चला जाएगा, ये होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा ये इसका फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है, इसका मतलब हो गया बी ए माइनस बी बी। तो किसी विद्युत क्षेत्र या विद्युत परिपथ में एकांक आवेश यानी धनावेश ही है, एकांक धनावेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यही ए माइनस बी दोनों का अंतर हुआ है, ये वी हो गया दोनों, ये हो गया विभवांतर, ये उन दोनों के बीच में किया गया कार्य, ये जो आवेश है वो। तो ये तो विभवांतर का ही फॉर्मूला हो गया। अब है इसका जो मात्रक है वो क्या है, मात्रक देखनी है, वही है कार्य का मात्रक जूल, जे जूल, कुलाम का आवेश का मात्रक कुलाम, तो वही हो गया वोल्ट। अब वोल्ट आ गया तो एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट विभू की परिभाषा देख ली, अब एक वोल्ट विभवांतर की, एक वोल्ट विभवांतर, एक वोल्ट विभवांतर की क्या डेफिनेशन, यही डेफिनेशन होगी कुछ नहीं, किसी विद्युत क्षेत्र में या परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो, एक जूल हो, क्या हो, एक जूल हो, तो उन दोनों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट होगा।
क्या कार्य होगा, अगर एक जूल होगा तो क्या होगा, वो एक वोल्ट विभवांतर होगा। किसी भी दो क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में क्या का कार्य, एक जूल हो तो उन दोनों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट होगा। और अगर W कार्य किया गया या जो कार्य किया जाता है वो सीधा उन दोनों के बीच का विभवांतर कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई हमारी एक वोल्ट विभवांतर की। अब जो विभवांतर का मापन भी आवश्यक है, विभवांतर मापन के लिए जो विभवांतर है, विभवांतर का मापन दो बिंदु के बीच विभवांतर मापन करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? वोल्ट मीटर का। विभवांतर का मापन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, विभवांतर मापन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। मान लीजिए कोई परिपथ है, उसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के मध्य का विभवांतर ज्ञात किया जाता है, तो जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर, इसके दो तार होते हैं, दो सिरे ए बी, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, इनको उन दोनों के बीच, उन दोनों बिंदु के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या? समांतर क्रम में, ताकि उन दोनों के बीच का सीधा विभवांतर ज्ञात करें, ताकि वोल्ट मीटर कोई धारा ना ले। ये देखिए, ये कोई परिपथ है, मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए इन दो बिंदुओं के बीच क्या ज्ञात करना है, ए और बी के बीच विभवांतर, तो इनमें ऐसे सीधा ही हम जोड़ दें समांतर क्रम में। दोनों सिरे अलग 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 बिंदुओं पर होंगे, ये बात, ये ऐसे प्रकार जोड़ेंगे वोल्ट मीटर। मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाएगा इस साइड दार, तो ये किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को, और एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ये तो बात हो गई। और जो विभव है वो क्या दर्शाता है, हमारी धारा की दिशा। जो विभव है, विभवांतर है, विभव और विभवांतर दोनों क्या दर्शाते हैं, धारा की दिशा, की दिशा बताता है। धारा की जो दिशा है, दिशा क्या है, उच्च विभव से निम्न बिंदु विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी धारा की दिशा। विभवांतर क्या, पॉजिटिव की ओर, जिस दिशा में विभवांतर पॉजिटिव होगा, दिशा तो नहीं होती, लेकिन मान लीजिए ये एक बिंदु है और ये बी बिंदु है, अगर इस इन दोनों बिंदुओं के ए और बी के बीच, मतलब बी ए बी बी, क्या हो, अगर पॉजिटिव हो हमारा धनात्मक हो तो क्या होगी, धारा ए से बी की ओर जाएगी, और नेगेटिव होगा बी से ए की ओर दर्शाएगी। तो इसका चिन्ह है, पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह भी हमें क्या बताता है कि धारा की दिशा है क्या। ये हमने देख लिया, धारा की दिशा को बताता है। अगर विभवांतर शून्य होगा तो कोई धारा नहीं बहेगी, अर्थात दो बिंदुओं के बीच अगर विभव समान है तो उनमें कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि उनमें कोई ढाल नहीं होगी। एक तरीके से जैसे पानी है, अगर समतल में नहीं बह सकता लेकिन ऊपर से नीचे की ओर जा सकता है, क्योंकि पानी हमेशा ही ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। इसी प्रकार जो धारा है वो भी एक तरीके से विभव पर डिपेंड करती है, विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। अगर विभव समान होगा अर्थात विभवांतर जीरो होगा तो धारा कहीं नहीं जाएगी, उसके लिए सब समान। तो ये तो सब हो गई हमारी परिभाषा कि विभव क्या है, विभवांतर क्या है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, पाठ्यपुस्तक न्यूमेरिकल 2, दो नंबर न्यूमेरिकल है हमारा पाठ्यपुस्तक का। दस वोल्ट विभवांतर, धारण 2 है, 10 वोल्ट विभवांतर, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाना है। 10 वोल्ट विभवांतर के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में
किया गया कार्य। हमें क्या ज्ञात करना है? कार्य। अब विभवांतर की डेफिनेशन जो हमने देखी थी, विभवांतर क्या है? किया गया कार्य W और आवेश, ये फॉर्मूला। हमें क्या ज्ञात करना है? V क्या दे रखा है? वो 10 वोल्ट। आवेश Q प्लस 3 कूलम। हमें क्या कार्य ज्ञात करना है? तो कार्य ज्ञात करने के लिए क्या है? V बराबर W अपॉन Q। हमें कार्य ज्ञात करना है तो W ये इस साइड चला जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा गुणा में 10 इंटू 3 30 आ जाएगी। अब कार्य की जो यूनिट है वही लिखेंगे, जूल है तो जूल लिखेंगे, या इसकी यूनिट और इसकी यूनिट गुणा कर देंगे, अर्थात 30 वो 30 वी सी यानी वोल्ट कूलम, वोल्ट कूलम क्या बन जाएगा? जूल। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल? तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसमें हमने व्यू और विभवांतर के बारे में पढ़ा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें और पाठ्य पुस्तक को साथ लेकर आप अध्ययन करें, तब आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।